नीमच सिटी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बड़ी चोरी का बड़ा खुलासा हो गया है, जिसमें नीमच टोयोटा शोरूम से चुराई गई एक टोयोटा हाई राइडर और एक टोयोटा गलिंजा सहित घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना आज से 5 दिन पहले यानी 11 दिसंबर की है, जब फरियादी योगेश पिता रतनलाल यादव नीमच सिटी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो खुद मैनेजर के पद पर पदस्थ है। उसने बताया कि हम रोजाना की तरह जब सुबह 10 बजे शोरूम में प्रवेश किया तो देखा कि दो नई कार, एक सफेद रंग की और एक नीले रंग, जो कि चोरी हो चुकी थी और अज्ञात बदमाश उसे ले गए थे, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की बड़ी मदद से चोरी तक पहुंचने में सफलता हासिल की, जिसमें तीनों चोर लोकेंद्र उर्फ बंटी पिता राम सिंह पुष्कर जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी इंदिरा नगर नागझिरी देवास रोड उज्जैन, अर्जुन पिता सरदार सिंह यादव उम्र 23 साल लागझिरी देवास रोड उज्जैन, बंटी पिता मायाराम मालवी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बलोदा महितपुर हाल मुकाम नाका नंबर 5 उज्जैन को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में तीन आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पतारसी में पुलिस जुटी हुई है, जिनको नामजद भी किया गया है, जिनमें मुकेश वर्मा, रोहित और शेखर है। इन सभी आरोपियों पर पूर्व में भी चोरी के प्रकरण दर्ज है। जैसा कि आपको दिल्ली में पिछले 10-11 की रात्रि को अवंती का शोरूम से टोयोटा कंपनी का उसका शोरूम है, उसमें दो गाड़ियाँ अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जबकि घटना बहुत गंभीर थी और करीब 24 लाख की गाड़ियाँ थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करके CSP साहब और स्टेशन PI यूनिवर्सिटी के गठित की गई है, उनके द्वारा तकनीकी साक्षों के द्वारा की गई है। इस दौरान पता चला कि साजिद बदमाश जो इस टाइप की चोरियां करता रहता है अर्जुन सिंह, वो उसकी लोकेशन इधर देखी गई है, तो जब उसके साथी पे नज़र रखी गई तो बंटी नाम का व्यक्ति इस चोरी चुराई हुई गाड़ी को उज्जैन में चलाते हुए पाया गया। तत्काल हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसी दौरान उनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन के पास दूसरी गाड़ी है, उससे भी उक्त चोरी की गाड़ी बरामद की गई है। जब उनसे पूछताछ की, घटना करना स्वीकार किया। इनके द्वारा छः लोगों के द्वारा एर्टिगा कार को अपने किराए से ले के आकर सरवाया ये गए थे सांवरिया सेट, दर्शन करके वापस आ रहे थे रतनगढ़ में, अपना चित्तौड़गढ़ में पहले प्रयास किया, वहाँ नहीं हो पाया तो ये अवंती का स्वरूप है। सामने का जो लाइट काट दिया गया और उसके बाद जब उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह बंद हो गए तो उसके बाद पीछे वाले दरवाजे को उन लोगों ने तोड़ करके शोरूम के अंदर ही जो चाबियाँ रखी थी गाड़ियों की उसके द्वारा चला जो गाड़ी सिस्टम सर, ये लोग आदतन अपराधी थे हमेशा से ऐसा करते हैं? हाँ बिल्कुल, आदतन अपराधी है ये। पहले ये टू व्हीलर शोरूम जो होते हैं उन पे चोरी करते थे, उनके संबंध में इन लोगों ने स्वीकार किया है, कुछ गाड़ियाँ बरामद हुई है जैसे उज्जैन अगला चोरी है और अभी ये फोर व्हीलर शोरूम पे चोरी करते हैं। इसमें से एक अपराधी जो था शोरूम में काम कर चुका है, उसको पता है कि शोरूम में चाबियाँ कहाँ रखी होती है क्या, और हर प्रत्येक शोरूम में कहीं ना कहीं नई गाड़ियां रहती है तो उसको पता है नई गाड़ियों से। सर इस घटना पर खुलासा होने पर कोई इल्जाम लगा? बिल्कुल, इसमें PI यूनिवर्सिटी योगेंद्र सिसोदिया और उनकी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया, हमारी टीम के द्वारा उनको उचित नगद इनाम दिया जाएगा और ये एक तरह के बहुत जिले में दूसरी बड़ी सफलता हमको आ रहा है। पहले हमने ATM का बड़ा खुलासा किया था, एक आगे हमारे और एक वाला।